प्रियंका चौधरी से साजिद खान करते इतनी नफरत, सामने आया है ये वीडियो। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं पीपा फोक्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो एक मंडली है जिसमें शिव, निमृत, साजिद खान, एमसी स्टैन, अब्दू, सुमूल, ये सभी हैं इस मंडली में, और कोई भी इस मंडली में प्रियंका को नहीं पसंद करता है। और ज्यादातर देखा जाए जो एक नफरत वाली चीज है प्रियंका को लेकर जो है वो निमृत में है और एमसी स्टैन, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपना दिखाते रहते हैं कि हाँ ये प्रियंका को हम नॉमिनेट करना चाहेंगे, प्रियंका हमें अच्छी नहीं लगती, प्रियंका ये सब करते रहते हैं। शिव भी लड़ाई करते हैं प्रियंका से, लेकिन वो हेटरेट जो है वो शिव के अंदर नजर नहीं आती है। कहीं ना कहीं शिव बहुत हेल्दी तरीके से इस कॉम्पिटिशन को लेते हैं, ये एक खासियत है। अब आपको पता है अब्दू बाहर आए, बाहर आकर उन्होंने देखा है क्या है, क्या सही क्या गलत, उन्हें सब पता चला है। फिर घर के अंदर आके वो प्रियंका से दोस्ती कर रहे हैं और प्रियंका को नहीं उतना टारगेट कर रहे, क्योंकि साजिद खान, शिव, निमृत ने जो जो उनके दिमाग में भरा था, जो जो उनको समझाया था, वो सब गलत था और ये बात पता चल गई अब्दू को। तो ये तो बात हुई अब्दू की, आप बता दूं कि अब्दू जब बात कर रहे थे प्रियंका से, तो जब वो जाते हैं वापस तो साजिद खान उन्हें गलत तरीके से गाइड करते हैं, बोलते हैं कि यार वो फुटेज के लिए आ रहे हैं, वोट बैंक के लिए आ रहे हैं, ताकि तुम्हारे जो फैंस हैं वो उसे वोट करें और वो बच जाए, फुटेज के लिए तुमको यूज़ कर रहे हैं। ये सारी बातें वो अब्दू को कहते हुए नजर आए, लेकिन भाई अब्दू तो सब जान गए हैं क्या सही क्या गलत है। अब साजिद खान की कोई भी बातें अब्दू अपने दिमाग में नहीं आने देंगे। हाँ, जो अब्दू है वो शिव को बहुत अच्छे सच्चे दिल से अपना मानते हैं और उनके साथ वो अपनी बॉन्डिंग रख रहे हैं, मंडली में वो हैं, लेकिन शिव के तरफ ज़्यादा अभी उनका इन्वॉल्वमेंट है देन अदर्स इन द मंडली। तो आपको बता दूँ कि ये तो बात हो गई, ये तो हमने देखा था, लेकिन आपको एक और सीन याद होगा जब सौंदर्या को वो कह रही थी कि प्रियंका जब बाहर जाएंगी ना, देन शी विल रियलाइज कि वो कितनी बड़ी विलन बन गई हैं शो की। जी हाँ, विलन बताया साजिद खान ने प्रियंका को, ये एक था। फिर उसके बाद प्रियंका को लेकर वो कुछ ना कुछ बातें कहते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आ रही है और लोगों को ये है, फैंस का ये है कि यार कितनी नफरत करता है ये बंदा, तो कितना गलत गलत बोल रहा है प्रियंका के बारे में। तो ये सारी चीजें, आपको क्या कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, आप कितना सही या गलत मानते हैं इन बातों को, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और देखते रहिए पीपा फूल्स इसी तरीके के।